मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि शाङ्गाय सुप्रभाताय सेवताधिकाय शिवानाय श्री राजा रामचंद्राय नमः श्री रामाय शरणार्पणमस्तु श्री बालकृष्णाय शरणार्पणमस्तु श्री परमसुत्तमाय नमः कुल राजा रामचंद्र जी महाराज की जय राजा रामचंद्र जी महाराज की जय बैंड बाजे में वो गा रहे थे डोली सजा के रखना क्या गा रहे थे डोली सजा के रखना देखो मैं कोई विनोद की बातें नहीं कर रहा कि आप हंसो तो थोड़ा विनोद हो जाए ऐसी कोई कामना नहीं जैसे ही श्रवण किया डोली सजा के रखना चूंकि आध्यात्मिक जगत से हूं आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होना चाहता हूं जीवन का ध्येय ही अध्यात्म है तो बुद्धि थोड़ी चिंतनशील है कुछ भी अगर नवीन दिख गया तो चिंतन करने लगता है मस्तिष्क आखिर ऐसा क्यों विचार करने लगा डोली सजा के रखना डोली सजा के रखना डोली सजा के रखना इसका मतलब क्या सारी रात चिंतन किया तो प्रातःकाल एक ही निष्कर्ष निकला क्या आज का व्यक्ति सिर्फ डोली ही सजाना जानता है अर्थी सजाना नहीं जानता आज का व्यक्ति सिर्फ डोली ही सजाना जानता है अर्थी सजाना नहीं जानता एक बार एक डोली का एक अर्थी का एक चौराहे पर मिलन हो डोली ने अर्थी को देखा अर्थी ने डोली को देखा अर्थी ने डोली को देखते मानो कुछ कहा ध्यान दीजिएगा अरे डोली मेरे पीछे भी है चार तेरे पीछे भी है चार मेरे ऊपर भी है फूल तेरे ऊपर भी है फूल मेरे पीछे भी है रोने वाले तेरे पीछे भी है रोने वाले मेरे पीछे भी है भीड़ तेरे पीछे भी है भीड़ मुझमें और तुझमें फर्क क्या है ध्यान दीजिएगा मेरे पीछे भी है चार पहले के जमाने में बाप जब बेटी का ब्याह करते थे तो डोली में बिठाल के ले जाते थे हमारे बाबा ऋषि का पागल गाते हैं चली रे सज धज के चली डोली डोली में बिठाल करके ले जाते हैं ध्यान दीजिए उसमें चार कहार लगते हैं बोले मेरे पीछे भी है चार तेरे पीछे भी है चार व्यक्ति जब निष्प्राण हो जाता है उसके बाद जिस वस्तु पर उसको लटाते हैं उसको क्या बोलते हैं जी अर्थी और उस अर्थी को उठाने के लिए भी चार लोगों की जरूरत पड़ती है मेरे पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं यह जीवन अर्थी पर आवे उससे पहले अपने जीवन का अर्थ समझ लेना वरना बड़ा अनर्थ हो जाएगा इस शरण को चिताओं में जलाया जाए उससे पूर्व अपने जीवन के चेतना शक्ति को जागृत कर लेना ये अस्थियां बिखरे उससे पूर्व जीवन में आस्था पैदा कर लेना यह जीवन काल के गाल में समाए उससे पूर्व कृष्ण के चरणारविंद को स्वीकार कर लेना जीवन कृत कृत्य हो जाएगा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा मेरे पीछे चार तेरे पीछे है चार मेरे ऊपर है फूल तेरे ऊपर फूल मेरे पीछे रोने वाले तेरे पीछे रोने वाले पर मुझमें तुझमें फर्क क्या है डोली ने कहा क्या अर्थी ने कहा बस छोटा सा फर्क है बोले क्या फर्क बोले मैं दुनिया से जा रहा हूँ तू दुनिया में जा रही है मुझे याद करके रखना क्योंकि एक दिन इन्हीं रास्तों से तुझे भी यूं ही गुजर जाना पड़ेगा और संसार के लोग देखते रह जाएंगे डोली सजा के रखना अच्छी लगी क्या बात नहीं मेरे कहने का अभिप्राय है जो भी करिए 100% करिए 99 भी नहीं चलेगा जीना है तो पूरा जियो मरना है तो पूरा ही मरो अगर अच्छी लगी तो ऐसे ऐसा करने से जोर से बताइए ना भजन ही करना है तो 100% करना है आधा अधूरा नहीं आप जिस कार्य में हाथ लगाइए उसमें अपना 100% दीजिए फिर देखिए असफलता कैसे आती है हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो जब न सफल हो तो नींद चैन की त्यागो तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं महाराज
पांचवा विषय है गंध। उस गंध में आसक्त होने के कारण उस भ्रमर की मौत हो जाती है। मेरे कहने का अभिप्राय पांच विषय है। हम मूल विषय पर चल करके आवे, उन पांचों विषयों के अलग अलग जीव भोगता है। कोई महाराज शब्द का भोगता है, कोई स्पर्श का, कोई रूप का, कोई रस का, कोई गंध का। उसका दुष्परिणाम क्या होता है, बोले एक एक विषयों में आसक्त है। इसके बावजूद उस जीव की मृत्यु हो जाती है। तो श्री मनोजी महाराज यहाँ संदेश देना चाहते हैं, जो जीव एक विषय में आसक्त है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जरा विचार करें, जो मानव इन पांचों विषयों में आसक्त है उस मानव की क्या दुर्दशा होगी। हमें शब्द भी चाहिए, हमें स्पर्श भी चाहिए, हमें रूप भी चाहिए, हमें रस भी चाहिए, हमें गंध भी चाहिए, यश कीर्ति वैभव सब कुछ चाहिए। और हम इन सबों में आसक्त हैं। क्या मानव, क्या संत, क्या फकीर, महाराज सबके सब इन पंच विषयों में आसक्त है। पूज्यपाद मनु जी महाराज कहते हैं, बोले एक विषय में वह साधारण जीव आसक्त होता है तो उसकी मौत होती है। जो जीव पांचों विषयों में आसक्त है उसकी क्या दुर्गति हो। बोले यही स्थिति है, जो हमारा हृदय रूपी पात्र है इन पंच विषयों से भरा पड़ा है, उसकी करुणा तो बरस रही है, उसकी कृपा तो बरस रही है, लेकिन हमारा हृदय रूपी जो पात्र है ना, ये पहले से भरा हुआ है। भाई आप वृष्टि में लेकर के एक लोटा जाओ और वह लोटा भरा हुआ हो, कितनी भी मूसलाधार बारिश हो, सत्य बताइएगा क्या एक बूंद जल भी वृष्टि का उस पात्र में आप सजो के रख पाएंगे? बिल्कुल नहीं। एक संत गंगा जी में, एक व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने के लिए गया, साथ में 20 लीटर का एक डब्बा ले गया कि लौट के आएंगे तो गंगा जी का जल लेकर के आएंगे। हमारे यहाँ की परंपरा है, यह कोई गंगा जी में स्नान करने जाता है तो थोड़ा जल भी ले आता है, क्योंकि हमारे यहाँ गंगा जल के बिना कोई काम संभव नहीं। हमारे भारत की पहचान है गंगा साहब, हमारे भारत की पहचान है गंगा, शान है गंगा। खैर विडंबना है आज हमारे भारत वर्ष की। विश्व में कभी हम जाते थे तो कहते थे हमारे महापुरुष, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम बड़े गर्व से कहते थे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में राम विराजते हैं, जिस देश में यमुना बहती है, जिस देश में अत्रि वशिष्ठ चवन अत्रि आदि ऋषि विराजते हैं, हम उस देश के वासी हैं, हम उनके संतान हैं। लेकिन विडंबना है, आज उन्हीं गौ गंगा गुरु गोविंद गीता और गायत्री को षड्यंत्र करके नष्ट किया जा रहा है। राम की धरती और राम के लिए जगह नहीं देश में। गंगा महाराज, महाराज गंगा जो है टिहरी के बांधों में जकड़ी है, जहां तक देखिए गंगा इतनी प्रदूषित की आचमन तक नहीं किया जा सकता। व्यक्ति गंगा जी में स्नान करने के लिए गया, डब्बा लेकर के गया है, खूब कोशिश करता है जल को भर ले, खूब चेष्टा करता है, लेकिन चाह करके भी एक बूंद जल न भर पाया। खूब प्रयास किया, एक बूंद जल को न भर सका। पसीना आ गया। एक संत बाहर में खड़े थे, भैया क्यों परेशान है? बोले गुरुजी खूब कोशिश कर रहा हूं उस डब्बे में जल को भर लूं, लेकिन जल है कि भरता ही नहीं। संत हंसे, क्यों, ये जल डब्बा में, डब्बे में ढक्कन लगा हुआ है क्या? बोले नहीं गुरुजी। बोले तो इस डब्बे में छिद्र है क्या? बोले नहीं गुरुजी। तो क्यों नहीं भर रहा? बोले पता नहीं, अब चिंतनीय विषय। इतना अथाह जल है, डब्बे में ढक्कन नहीं लगा है, छिद्र भी नहीं है, बावजूद इसके वो जल नहीं भर पा रहा, क्यों? संत को अचानक ख्याल आया, बोले इधर आ डब्बे को लेकर के। बोले गुरुजी देखी डब्बे को, देखा। बोले भले आदमी तू जिंदगी लगा देता तो भी एक बूंद गंगा जल न भर पाता इसमें। बोले क्यों? क्योंकि ये डब्बा पहले से ही दूषित जल से भरा पड़ा है। यदि गंगा जल को चाहते हो तो इसको पहले खलाओ तो सही,
बोले उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी दया सदैव बरस रही है, लेकिन ये हृदय रूपी पात्र पहले खाली तो हो। अभी यहाँ बैठे लेकिन माइंड में बहुत सारी बातें चल रही होंगी, और सब तो अच्छा है, लेकिन वृंदावन के हैं, अयोध्या वाले होते तो बात कुछ और होती। सही कह रहा हूं ना? नहीं, तरह तरह की बातें चलती रहती हैं। क्यों? मस्तिष्क को का बुद्धि की अभ्यास हो गई है, गुण दोष ढूंढते रहना अभ्यास हो गया है। कहीं भी जाए महाराज, गुण तो बाद में ढूंढता है, व्यक्ति दोष पहले ढूंढ लेता है, ये अभ्यास हो गया जी। बोले परमात्मा की कृपा करुणा बरस तो रही है, लेकिन महाराज पात्र जो हमारा हृदय रूपी है यह पहले से भरा है। अगर वह पात्र खाली हो जाए फिर उसकी कृपा हम सजो के रख लें तो हम भी अत्रि वशिष्ठ च्यवन याज्ञवल्क आदि ऋषियों के परंपरा में आ जाए, महाराज हमारा नाम भी उन भक्तमालाओं में अंकित हो जाए स्वर्णाक्षरों में। बोले ऐसा कैसे होगा, ये हृदय इन विषयों से रिक्त कैसे होगा, पृथक कैसे होगा, विलक हो कैसे होगा, इसका कोई उपाय तो होगा, कोई सूत्र तो होगा जिससे ये रिक्त हो जाए। बोले हाँ सूत्र है। बोले क्या? बोले अगर इसको हृदय को, इस हृदय को पवित्र करना है, इनको इन विषयों से मुक्त करना है, तो कथामृत रूपी साबुन को आप आत्मसात कर लें। जी बाबा तुलसीदास जी का जो गैरेज है ना, ये बहुत सुंदर है, 9 दिन का है, और इस गैरेज में आ जाओ, आपकी कितने भी पुरानी खटारी गाड़ी क्यों ना हो, कितने भी खटारी कार क्यों ना हो, वो महाराज सुंदर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बाबा तुलसीदास जी का जो ये गैरेज है, इस गैरेज में आप कार लेकर के आएंगे, 9 दिन बाद आपकी कार संस्कारों से भर दी जाएगी, जीवन दिव्य हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। भगवान तुलसीदास जी महाराज ने बहुत दिव्य गाथा गाई है। भगवान वेदव्यास जी महाराज, सूत जी महाराज पद्म पुराण में कहते हैं सत्संग के संबंध में, बोले सत्संग कैसे जीव को प्राप्त होता है। बोले भाग्यो दयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारं न संविधाय हितोदयते विवेक। एक जन्म का नहीं, जब जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्प अंतरों के, युग युगांतर के जब पूर्ण पुंजीभूत होते हैं तब ऐसा शुभ अवसर आता है। तो क्या दिव्य शुभ अवसर आया है, आइए प्रवेश करें। महाराज दिव्य श्लोकों में श्रुति गाई है श्री तुलसीदास जी महाराज ने, सर्वप्रथम वर्णों की, भगवान गणेश जी की वंदना की। आइए हम प्रवेश करें, उससे पूर्व तुलसीदास बाबा को नमन करते हैं। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, गाइए जय श्री राम कथा, हो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, गाइए जय श्री राम कथा, जय श्री राम। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 जन्म जन्म की जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा।
राम जय जय राम कथा जय श्री राम कथा राम कथा सज किरण समाना छंद जगोर करहि जहि पाना महादेव महिषेश विशाला कथा कालिका कराला सुन कर तू भी हमारी हो जाए सुन कर तू भी अमर हो जाए श्री हनुमंत जथा जय जय राम कथा जय श्री राम कथा जय जय राम कथा जय श्री राम श्रवण कर मिट जाती है हर अंतर की व्यथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा बोल करे राम कथा कलिका मत गाई सजीवन मोर सुहाई श्याम सकल जनरंजने राम कथा कलिकल सभी भंजने तेरा परमारथ बन जाए सबका परमारथ बन जाए श्री नारद कर जथा जय जय राम जय जय राम कथा जय जय राम कथा
जिसे सेवन कर मिट जाती है, 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 हर अंतर की कथा हो जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हरि बोलते हैं। राम कथा कल बिटप कोठारी, राम कथा कल बिटप कोठारी, राम कथा कल बिटप कोठारी, सागर सुन गिरि राजकुमारी, सागर सुन गिरि राजकुमारी, सागर सुन गिरि राजकुमारी, सागर सुन गिरि राजकुमारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहट उड़ावन हारी, संशय बिहट उड़ावन हारी, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, परिवार में कष्ट, भाई भाई में मतभेद, पति पत्नी में मतभेद, क्यों? उसके मूल में है शंका, और जहां है शंका वही है लंका, जहां आई शंका समझ लो वहां आई लंका, जहां संशय है वहां प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और वो प्रॉब्लम कैसे नष्ट हो? राम कथा सुंदर कर तारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, संशय बिहग उड़ावन हारी, तेरा भी संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, संशय भागेगा, तेरा भी संशय भागेगा, पार्वती कर कथाओ जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जिसे सबन कर मिट जाती है, सबन कर मिट जाती है, मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा।